ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से डिस्टेंस एजुकेशन के बीए, बीकॉम, बीएड, बीई, ईडीयू पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री के अलावा एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएईडीयू प्रीवियस ईयर हो या फाइनल ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम है वो जारी कर दिया गया है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए किस कोर्स का एग्ज़ाम किस दिन कितने बजे से और किस डेट को लिया जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको वो सारी जानकारी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट वहाँ से मिलता है। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। डायरेक्ट लिंक मिलेगा इस पेज का, क्लिक करके आप इस पेज पे आएंगे, वहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी बताई गई है कौन कौन से क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, जो बीए, बीकॉम, बीएड, इसके अलावा बीए, ईडीयू के पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री के भी छात्र होंगे एंड आपको एमए, एमकॉम, एमएससी के अलावा जो प्रीवियस ईयर हो या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम है वो जारी किया गया है। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी पेज पे आएंगे, यहाँ पर आपको वो पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर रिजल्ट में एनसी लगा है तो उसे आप किस प्रकार से ठीक करेंगे और आपको असाइनमेंट्स लिखने का सही तरीका क्या है, वो तमाम जानकारी इस पोस्ट पर आपको मिलेगी। आपको किस प्रकार से पता करना है किस कोर्स का एग्जाम कितने बजे से किस डेट को है तो उसको जानने के लिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ये मॉर्निंग सेशन आपका यहाँ पर 9:30 से लेकर 12:30 के बीच होगा और इवनिंग सेशन आपको यहाँ पर 1:30 से लेकर आपका यहाँ से 4:30 के बीच होगा। सो आप यहां पर देख लीजिए। तो आपको ये समझना है कि आपका कोर्स क्या है। जैसे मैं पार्ट वन का पॉलिटिकल साइंस, मेरा ऑनर्स है बीए का, तो आप यहां पर देख लीजिए बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कहां पर है, तो यहां पर है, देख लीजिए। इसका यहां पर देख सकते हैं कोर्स कोड भी दिया गया है। तो ये आपको मिलाना है, आपके पास होगा आपका कौन सा पेपर है, मतलब कौन सा कोर्स है, वो आप यहाँ पर मिलाएंगे। उसके बाद उसके ठीक पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिया रहेगा कि आपका दिन कौन सा दिन एग्ज़ाम होगा और कौन सा डेट को होगा, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो मेरा बीए पॉलिटिकल साइंस है, 1701 कोर्स कोड है, तो मेरा एग्ज़ाम यहाँ से सोमवार के दिन 12/12/2022 को लिया जाएगा। कुछ इस तरीके से आप यहां पर पता करेंगे। अगर मान लीजिए एमए के छात्र हैं, अगर आपका यहां पर हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप यहां पर इससे एमए का हिस्ट्री ऑनर्स यहां पर इसे कोर्स कोड दिया गया, आपको कोर्स कोड भी मिला लेना है। और मिलाने के बाद ठीक इसके पीछे आएंगे तो यहां पर आपको दिन भी दिया गया है और यहां पर आपको डेट भी दिया गया कौन सा डेट को आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस तरीके से आप पता करेंगे। अगर आपको ऊपर में नहीं मिला तो नीचे में आएंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं पार्ट वन का पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूं, तो आप यहां पर देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पेपर यहां पर 1702 यहां पर आ रहा है। तो 1702 का एग्ज़ाम कब से है तो आप यहां पर देख लीजिए, बुधवार के दिन 14/12/2022 से होगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अगर आपको पता करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।